आज हम आपके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और करंट है और इसको तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा जीवन मेरा योग, मेरा जीवन मेरा योग, माय लाइफ माय योगा, ठीक है। तो इस पर चलते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि 31 मई 2020 को पीएम ने, भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के प्रति मन की बात संबोधन के दौरान मेरा जीवन मेरा योग, माय लाइफ माय योगा, इसे जीवन योग भी कहा गया है, ठीक है। तो वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की घोषणा की है, ठीक है। मन की बात संबोधन के दौरान मेरा जीवन मेरा योग, माय लाइफ माय योगा, वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की घोषणा की, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद कर लेना। पहला पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सेकंड पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये इस वीडियो में आपके पेपर से रिलेटेड पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। और एक बात और, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। यह आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR, इंडियन काउंसिल कल्चरल रिलेशंस का संयुक्त प्रयास है, ठीक है। आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संयुक्त प्रयास है ये, ओके। तीसरा पॉइंट है कि इस वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का उद्देश्य योग के बारे में लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना और आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के अवलोकन में सक्रिय भागीदार बनने के लिए प्रेरित करना है, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। क्या इसमें जो है, जो आगामी आने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, ठीक है, उसमें जो है भागीदार बनने के लिए प्रेरित करना है, ठीक है। तो चलिए आगे। और फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा, यह प्रतियोगिता व्यक्ति के जीवन में योग के परिवर्तनकारी प्रभाव पर केंद्रित है और 21 जून 2020 को आगामी छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस IDY के अवलोकन से संबंधित गतिविधियों के रूप में शुरू की गई है, ओके। इस प्रतियोगिता में विश्व भर से कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। ये पांचवा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सिक्स पॉइंट में बताया गया है कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को 3 योगाभ्यासों जैसे आसन, क्रिया, बंध, प्राणायाम और मुद्रा पर 1 3-मिनट का वीडियो अपलोड करना होगा और उसमें प्रतिभागियों को यह संदेश भी शामिल करना होगा कि इन योगाभ्यासों ने उनके जीवन को कैसे प्रभावित किया है। सेवन पॉइंट में है, यह प्रतियोगिता फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से जनभागीदारी का समर्थन करेगी। इस प्रतियोगिता में प्रथम 3 विजेताओं को पुरस्कार के रूप में क्रमशः 1,00,000 रुपये, 50,000 रुपये, 25,000 रुपये प्रदान करने की भी घोषणा की गई है।
ठीक है, जो वीडियो ब्लॉगिंग के जरिए फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर जो है योग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा, लोगों को जागरूक करेगा, उसमें से जो फर्स्ट आएगा उसको पहला पुरस्कार 1 लाख रुपए, जो सेकंड आएगा दूसरा पुरस्कार वो 50,000 रुपए, और जो तीसरा थर्ड आएगा उसके लिए 25,000 रुपए पुरस्कार के रूप में प्रदान करेंगे। तो आप इन सारे पॉइंट्स को तैयार कर लीजिएगा, ये आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप यूपीएससी के प्रतिभागी प्रतियोगिता परीक्षक तैयारी कर रहे हों या अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो तैयार कर लीजिएगा। और आप भी वीडियो ब्लॉगिंग के ज़रिए जो है लोगों को जागरूक कर सकते हैं योग के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसी तरह इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।